Hello, 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 hello. Hello, hello. कैसे हैं सब लोग? अर्चना जी कैसे हैं आप? स्वागत, स्वागत. सब अच्छा चल रहा है? बिल्कुल. बस अब मैं आ गया हूँ और ज़्यादा अच्छा चलेगा अभी. अरे कपिल मेरे भाई. अरे मेरे भाई कैसा है? अरे देख शादी की तुझे बहुत बहुत बधाई हो. शादी की बधाई तो तूने दे दी थी घर पे आके. शादी की बधाई तो तूने घर पे आके दे दी थी. हाँ तो उसका फायदा नहीं हुआ ना अभी तक मेरे को. अच्छा. हाँ अच्छा खैर शो अच्छा चल रहा है उसकी बधाई. ये मिठाई खा बधाई यार. थैंक यू. बट शो की बधाई भी तो दे दी थी तूने फोन पे. हाँ तो समझो ना अब कि एक आदमी बिना बात के तुझे छह छह बार बधाई दे रहा है उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए. तू यहाँ फायदे लेने आता है? अच्छा जी तो जो कुर्सी पे बैठे हैं वो मर्द से यहाँ एसी की हवा लेने आई है? मेरे भाई देख तूने मुझे शादी पे वादा किया था कि इस बार शो में रखेगा. दूसरे आर्टिस्ट रख लिए एक मौका मुझे भी देना. एक मौका था वो ले लिया किसी ने. चल जा हमें काम करने दे यार. जा जा देख बंदा इतने दिनों बाद आया बंदा पूछता है कि क्या लोगे चाय ठंडा गरम भुजिया कोई पक्का करेक्टर जो इधर से आए उधर से निकल जाए. अच्छा तो उधर से आया ना. हाँ. इधर से निकल चल. नहीं यार ऐसा भी नहीं कि इधर से आए उसी वक्त निकल जाए. बीच में 10 मिनट का स्टॉपेज हो सेलिब्रिटी आए उनसे कोई बात बात करें कोई दिहाड़ी बने कोई रोजी रोटी. अच्छा तो सीधा बोलना तेरे को टीवी पे आना. हाँ. अर्चना जी के पीछे बैठ तेरे 4 शॉट लग जाएंगे. चार शॉट उनके खुद के 2 आते हैं मेरे 4 कहां से आ जाएंगे? सारे इसी के आते हैं. और तू यहां काम मांगने आया कि आग लगाने आया हमारे बीच? नहीं 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 आग लगाने थी बिल्कुल नहीं. देखो मुझे तो इतना मैं फ्री बैठा हुआ मुझे 4 पैसे तो मैं खुद को आग लगा लूंगा. मैं देख अर्चना जी हंसने वाली कौन सी बात है. अक्षय कुमार जी इतने बड़े शो में जाके खुद को आग लगा लेते हैं. अक्षय कुमार आग लगाते ना 4 लोग खड़े रहते हैं बुझाने के लिए. तूने लगाई ना लोग तेल डाल के जाएंगे तेरे ऊपर. बकवास करता है. एक मिनट तेल डालने से मुझे याद आया चंदू. वो हमारी दोस्ती में बड़ा तेल डाल रहा है पता है. अच्छा तो और क्या है देख तूने उसे अपने शो में रखा. हाँ. और पहले एपिसोड में आके तुझे चिढ़ा रहा था याद तेरी आएगी मुझको. ये देख सब खुश हो रहे हैं मेरे को दिल से हर्ट हुआ था. हाँ. उसको निकाल दे शो से यार. करता ही क्या वो शो में आके. ओए होए 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 भागर तुम इधर किधर है? नहीं मैं तो वैसे इधर से गुजर रहा था. मैं अर्चना जी को हाय हेलो बोल रहा. यार तुम्हें बोला स्कूल में बच्चे छोड़कर आने तुम इधर आ गए. एक मिनट संडे को कौन सा स्कूल खुला जहाँ से बच्चे लेके आने हैं? मैं चेक कर रहा था कि ये भी काम तुम कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो. तुम्हारा तो समझ में नहीं आता. एक बोलते मुझे काम नहीं देते काम नहीं देते. जब तुम्हें काम देते तुम काम करते ही नहीं हो. यार कोई मेरे लेवल का काम दो तो मतलब चलते शो में तुमसे मसाज करानी शुरू करा दे. यार वैसे अच्छा कपिल शर्मा ये बताओ इसने आग अभी लगा दी है या अभी शुरू है काम? शुरू कर दी. नहीं नहीं यार मैं तू मेरा दोस्त है मैं ऐसे काम करूँ. तुम्हारे जैसे दोस्तों की वजह से इधर चाय बेचनी पड़ रही है वरना टैलेंट की कमी नहीं है मेरे में. तो तेरे से चाय नहीं बन रही ना. तालियां देख लो. ठीक है तेरे से चाय नहीं बनती तो किसी और से बनवा लेते हैं. मैं बना के लाया हूँ ये देख. तू सिर्फ टेस्ट कर ओके कर. मतलब आग लग चुकी है तो आते तुमने भड़काना शुरू कर दिया. एक मिनट इतना भी फ्री नहीं हूँ कि मैं इधर आके भड़काता रहूं. मेरे बाहर 4-5 कॉमेडी शो चल रहे हैं यार. ओए होए 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 हमारा एक चल रहा है हमारे पास टाइम नहीं है. इसके 4-5 कॉमेडी शो चल रहे हैं फिर भी टाइम निकाल कर आ जाता. सही पकड़ा. हेलो कपिल शर्मा है कोई रोल रहा है? तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया. क्या बचपन में हमारे क्या डायपर चेंज करते रहे तुम? क्या किया क्या है तुमने? डायपर. तुम लोगों को दुनिया मैंने दिखाई थी सब. दुनिया हमने दिखाई है. गरीब आदमी पहली बार बस में बैठा पासपोर्ट लेके चला गया. ये है मेरे दोस्त. लोगों की कुंडली में लिखा था राहु दोष केतु दोष मेरे ठाकुर दोष लिखा हुआ है. कितना ढीठ है यार ये. अच्छा अब मैं ढीठ हो गया. कॉलेज में मेरे पीछे ढीठों की तरह घूमते थे कि बड़ा स्टाइलिस्ट है तू. अर्चना जी
अपने ग्रुप में सबसे पहले परफ्यूम मैंने लिया था। हाँ तो जिससे ज्यादा स्मेल आती है परफ्यूम वही लेता है। तू क्या ज्यादा उस पर चढ़ रहा है बे? खुद पता क्या करता है? अगरबत्ती का चूरा बना के इधर उधर लगाता, कहता खुशबू आती है। तो खुशबू नहीं आती? नहीं नहीं आती है, लेकिन उससे पहले ना अगरबत्ती को आग लगानी पड़ती। लगाऊं? यार तुम बंदे हो कि जेठानी हो किसी की? हर टाइम आग लगा लो, आग लगा लो, आग लगा लो। ओए खबरदार, अगर किसी ने जेठानी के नाम पे ताली बजाई तो। हाँ। आज हमारा देश तरक्की कर रहा है तो सिर्फ जेठानियों के दम पे। क्यों जेठालाल जी? वाह वाह, वैसे मान गए तुझे। उतने ड्रामे ना सीरियल में ननद नहीं करती जितने ये इधर काम लेने के लिए कर रहा है। देखो जिठानी ननद खड़े खड़े चार करेक्टर कर दिए, पिछले चार साल से एक ही करेक्टर कर रहा है। चार करेक्टर कर लिए? हाँ? चलो बाहर, चलो 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 बाहर। उसने वापस आ जाना। आ गया। मेरी बात चलना तो तू भी साथ चल। मैं तो ऑलरेडी अच्छा चल रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँ बाहर? कोई चल वल नहीं रहा, बचपन से मैं आज तक इसको जानता हूँ, मुझे बाहर निकालेगा ये। हाँ? वो दिन भूल गया जिस दिन तेरे पास साइकिल था और मेरे पास फोर व्हीलर। हाँ, फोर व्हीलर पता कैसा? ओपन एयर फोर व्हीलर, ऐसे ऐसे करके चलता। इसके हाथ देख लो, यहाँ से पूरे सख्त है इसके हाथ, ऐसे ऐसे करके चलाए। अरे वो तो मैं नाटक की रिहर्सल कर रहा था। सड़क पे कौन सा नाटक होता है? नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक नहीं, भुक्कड़ नाटक भिखारी। भीख मांग रहा था ऐसे ऐसे करके। अच्छा पता तो देते क्यों नहीं थे? क्या कर रहा है? सुबह से लेकर शाम तक जो पैसे कटे करता, शाम को आके कुलचे खा के चले जाते थे। तेरी कमाई कम थी, हमने तो पिज्जा खाना था। मुंह देखो इनके पिज्जे वाले। शादी पे भी जाना होता था ना तो मेरा कोट पैंट उधार मांग के ले जाते थे, और ये मेरी पैंट में दाल गिरा के लाता था हमेशा, और ये उसी दाल के साथ दो चपातियां खा लेता था। आई डोंट लाइक यू बोथ। इन दोनों के रिश्तेदार पता नहीं कैसे इनकी शादी में चले जाना, अजीब से रिश्तेदार हैं। आप किसी को बोलते ना हेलो, आगे से वो पट्टी निकाल लेते, पेपर निकाल लेते, मारे गांव में ना आपदा आ गई, जो आपको ठीक लगे दे दो। मैं लाइक नहीं करता इनको, आई डोंट लाइक बोथ। अच्छा वैसे अर्चना जी हमारे रिश्तेदार चलो ओरिजिनल तो थे। मैं तो इनकी शादी में जब गया तो इनकी बुआ जी को पैरी पहना की, मैं बुआ जी पैरी पहना कहता बेटे मैं इसका फूफा हूँ। सारे रिश्तेदारों को साड़ियां पहनाई इसने, वो चिट लगाकर घूम रहे चाचा चाची मामा मामी। मैं तेरे को कितनी बार कहा एक्सपायरी डेट वाली ब्रेड ना खाया कर, फिर तू ऐसी अजीब अजीब बातें करता है। देखो मेरी बात सुनो, एक्सपायरी एक्सपायरी वो कुछ नहीं होता। हाँ। ये हम मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो जो थोड़ी कुरकुरी हो जाती है, मैं 15 दिन पहले मंगवा लेता हूँ ब्रेड, तो उस पे वो कड़चना जी ग्रीन ग्रीन आ जाता है। लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं, आई लाइक ग्रीन ब्रेड। तो ग्रीन ब्रेड वगैरह खाई है मैंने, तो इसीलिए मैं तो अपना अपने कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मेरे को मिला है। और जिन्होंने दिया ना अवार्ड, उनके हाथ काट दिए प्रिंसिपल। हाँ, और बिना हाथों के ऐसे ऐसे कर रही थी। जब मैंने उसकी बात का गुस्सा मान लिया है तो ऐसे ऐसे करना जरूरी 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 था। इम्प्रोवाइजेशन, खबरदार इम्प्रोवाइजेशन किया तो। ऐसे ऐसे करके इसने माथा चौड़ा कर लिया अपना। क्या जरूरत है? डेढ़ आदमी का माथा होता है इतना। ये देखो गौर से, इधर यार तो कोई एडवर्ट लिखवा लो तुम, कोई एलईडी लगवा ले कोई इधर। हो गई बातें। हाँ। ऐसी बकवास बातें करता है। हाँ। अगर यही चार जमाते पढ़ लेता ना ढंग से। हाँ। तो ऐसी बातें नहीं करता। पता है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं उनमें। हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। यस बहुत। यस ट्रक के पीछे लिखा था ना जगह मिलने में पास दिया जाएगा। हाँ। ये मोटरसाइकिल तेज कर गया, ट्रक वाले को रोक के था, ये तो बता दो कौन से शो का पास दिया जाएगा। ट्रक वाले ने इसकी हेलमेट उतार के इसके मुंह पे थूका है। और ये इतना जलील आदमी है अर्चना जी, उसको बोल रहा था कहते भाई साहब चूना आप कम लगाते हो। ज्यादा मत बोल तू, पता ना मेरा तेरे को, मैंने भी इधर चूड़ियां नहीं पहनी। मैं कहता कपू शर्मा बोले मैंने चूड़ियां क्या, मैंने साड़ी लिपस्टिक सब पहन लेना। फोकस देख लो इसका, लड़ाई में भी फायदे ढूंढ रहा है। हाँ। क्या फायदे मतलब? तेरी शादी के कार्ड बांटे इसमें मेरा क्या फायदा बताओ? तू कार्ड बांट रहा था इसकी शादी। अगर तू शादी की घोड़ी नहला सकता है, मैं कार्ड नहीं बांट सकता।
सुना चाहिए इसने कांड बांटे थे तभी आपको नहीं मिला. मेरे को नहीं मिला था, इसने मुझे फोन करके बोला. मैंने दो महीने पहले दे दिया था इसको. अब कुछ काम तो मैं ठीक भी करता हूँ. कोई काम नहीं ठीक किया मैं, कोई काम नहीं ठीक किया. इसके कार्ड के ना फोटो कॉपी करा के ना 500 के बेचे इसने. कहता बॉलीवुड नाइट है, बॉलीवुड नाइट है, ले लो. कपू हाँ यार, कुछ ऐसा कर कि मेरी भी ईगो हर्ट हो. तू गया नहीं अभी तक. बोलता मेरे को काम चाहिए, काम चाहिए. एक काम दिया शादी में इसने, वो तो ढंग से किया नहीं. पागल की तरह नाच रहा था उधर. अरे यार की शादी थी, खुल के डांस किया यार. इतना खुल के डांस किया ना, बधाई मांगने बुलाया हो, कहते परा पहले तू नाच ले यार. एक हफ्ते बाद भी मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि वो जो डीजे बंद होने के बाद भी पागल सा आदमी नाच रहा था वो है कि चला गया. वो जाए तो हम आए. इतना पागल है ये यार. इतना नाचा मैं इसकी शादी में. और एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, जो लास्ट फंक्शन था शादी का उसमें जब नाच रहा था तो लड़की वालों ने आके मुझे मारा, तूने रोका क्यों नहीं? विदाई के वक्त कौन नाचता है पागल? अबे तो विदाई के वक्त नागिन की ट्यून भी कौन लगाता है? वो हमारी दुल्हन कहीं छुपी हुई थी, बाहर नहीं आ रही थी. हमने नागिन ट्यून में जाई, वो बाहर आ गई. तू बड़ी कमियां निकाल रहा है, खुद की शादी करो, तूने कार्ड भी नहीं दिया हमें. नहीं नहीं देखो उस वक्त ये फेमस नहीं था. अगर मुझे पता होता कि हमारे कपिल शर्मा ने द कपिल शर्मा बन जाना है, मैं शादी का कार्ड मैं तुझे हनीमून साथ लेके जाता. हनीमून तो जैसे इसने अटलांटा में जाकर मनाया है. पहला आदमी है जिसने अपनी नानी के घर में जाकर हनीमून मनाया है. अरे यार वो भी नानी सारी रात खांसती रही, दवाइयां देने में लग रहा. अंदर से बीवी कहती कुछ है प्रोग्राम के, मैं निकलूं फिर. सब गलत है. मैं नानी के घर इसलिए गया था, देखो शादी में मेरे मामा नहीं आया, मामा नाराज था. अच्छा क्यों? तो मैंने कहा हनीमून मना लेते, मामा मना लेंगे साथ में. मामा मनाने के चक्कर में जो बीवी रोट गई उसका क्या? अच्छा ये देख लो अर्चना जी कैसा बंदा है, उधर कभी मामा को मना रहा है, कभी हनीमून मना रहा है, इधर शो के लिए कपिल को मना रहा है. ऐसे दोस्तों की वजह से ना लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, पता है? तुझे तो पक्की करनी चाहिए थी. चार चार रिसेप्शन की है. एक रिसेप्शन कम कर लेता ना मेरे कर्जे उतर जाते. तेरे को क्या लगता है एक रिसेप्शन 1500 में होती है?